आज हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42। ये 9th मार्च की है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो आई एम श्योर यू आर इंजॉइंग कमिंग टू स्कूल अगेन। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल खुल चुके हैं और सभी बच्चों को स्कूल जाने में मज़ा आ रहा होगा। तो आज हम फिर से अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे मंकी और एलिफेंट कैसे फ्रेंड बने। सो ये आप देख सकते हैं, कुछ पिक्स के थ्रू ये समझाया जा रहा है। अ मंकी एंड एन एलिफेंट लिव नियर अ पॉन्ड। एक बार एक मंकी और एक एलिफेंट एक पॉन्ड के पास रहते थे। एंड दे वुड ऑलवेज टीज ईच अदर, और वो एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार मोंटू ने उसके ऊपर पानी भी डाला था। सो क्या होता है, एक बार दे ऑलवेज टीच ईच अदर एंड जो एलिफेंट था उसने स्प्लैश भी किया था वाटर, एंड जो मंकी था वो बहुत ही जुकाम हो गया तो उसको इसके बाद। बट द एलिफेंट ऑल्सो हेल्प्ड हिम, पर एलिफेंट ने फिर उसकी मदद भी की थी। वन डे द एलिफेंट वॉज हंग्री। अब आगे क्या होता है, एक बार एलिफेंट बहुत भूखा होता है। ही कुड स्मेल द स्वीट मैंगोज ग्रोइंग ऑन द ट्री। वो देखता है कि कुछ मीठे मीठे आम जो हैं वो पेड़ पे लगे हैं। बट दे वर बियॉन्ड देयर रीच, पर वो उसकी रीच से बाहर थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। द मंकी हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। तभी जो मंकी होता है, जो कि बंदर होता है पेड़ पे बैठा हुआ, वो कुछ मैंगोज को तोड़ता है और वो एलिफेंट को दे देता है। एंड एलिफेंट इनको इंजॉय करता है एंड दे बिकम फ्रेंड्स, एंड वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत लंबे समय तक फ्रेंड्स बने रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई 3 फ्रूट्स के नाम बताने हैं। तो एप्पल हो गया, मैंगो हो गया एंड ऑरेंज हो गया। अब आपको अपने फ्रेंड के संग क्या पसंद है करना, तो हम लोग लिख सकते हैं, आप सभी को अपने फ्रेंड्स के संग प्ले करना बहुत पसंद होगा, स्टडी करना बहुत पसंद हो। तो हम क्या लिख देते हैं, PLAY आप लोग प्ले लिख देंगे। यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है ख़त्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।